हेलो फ्रेंड्स, मैं सी राजीव खंडेलवाल वेबटिल से, और 43B की जो वीडियोस आजकल इतने शेयर हो रहे हैं, इतने वायरल हो रहे हैं, उनमें एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली फॉर माय सीए फ्रेंड्स जो ऑडिटर्स हैं उनके लिए। तो क्या आपके एक्शन पॉइंट्स हैं इसके लिए, आप इस पर ज़रा तवज्जो दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज फ्रॉम योर क्लाइंट। उसको आप बाइफरकेट करें ट्रेडर्स में और अदर्स में। जो वैलिडिटी ऑफ उद्योग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ सप्लायर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो स्मॉल और मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, उनकी वैलिडिटी आपको चेक करनी है। और जैसे कि आपको पता ही है कि ट्रेडर्स के केस में डिसअलाउंस नहीं होगा, सो उनकी कैटेगरी को अलग रखना पड़ेगा। सो आपको एक लिस्ट क्रेडिटर्स की या एक्सपेंसिस की आउटस्टैंडिंग की एज ऑन 31 मार्च आगे लेनी पड़ेगी। एज ऑन डेट भी ले लीजिए अगर आप अभी से शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि बाद में कई बार फिर इश्यूज आते हैं, तो बेटर है कि एक बार के लिए हम अभी कर लें और बाद में फिर 31 मार्च के बाद दोबारा ये एक्सरसाइज एक बार रिपीट की जा सकती है। इंश्योर करिए कि जो रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स हैं अंडर द कंपनीज एक्ट चाहे एंड MSMED एक्ट, लाइक फाइलिंग ऑफ MSME फॉर्म 1, डिस्क्लोजर्स ऑफ ड्यू डेट्स एक्सेट्रा, ड्यू अमाउंट एंड इंटरेस्ट इन बैलेंस शीट एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें भी जो आपका क्लाइंट है वो फॉलो करें। जो आप लिस्ट आपको मिलेगी अपने पार्टी से, उसको आप ड्रिल डाउन करें टू MSME नॉन ट्रेडर एंटरप्राइजेज, और एजिंग एनालिसिस करके आप मालूम करें कौन से बिल्स हैं जो ड्यू हैं बट नॉट पेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 हैं। और थोड़ा सा क्लाइंट को एडवाइस करिए कि एडवांसेस वगैरह या एडहॉक पेमेंट्स वो अवॉइड करें, अननेसेसरी इश्यूज रहेंगे। बिल बाय बिल ऑप्शन जो टैली में या बिजी वगैरह में या बाकी सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल होती है, उसको यूज़ करें। और अगर फंड्स की कहीं शॉर्टेज है तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को पहले पेमेंट करें, क्योंकि उनके केस में तो अगर पेमेंट नहीं हुई तो डिसअलाउ ही हो जाएगी। बाकी जो लार्जर एंटरप्राइजेस हैं उनको बाद में पेमेंट की जा सकती है। ऑल्सो आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट चेक करिए, करंट का भी आप देख सकते हैं, और पर्टिकुलरली 31 मार्च का जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनेगा उसको ज़रूर देखिए। और उसमें हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे कितने चेक्स हैं जो इशू हुए हैं 31 मार्च के आसपास और अभी तक क्लियर नहीं हुए, ऑडिट के टाइम तक क्लियर नहीं हुए, या आप ITR फाइल करने जा रहे हैं तब तक भी क्लियर नहीं हुए। तो ऑब्वियसली इट विल पॉइंट आउट टू समथिंग फिशी, कि सिर्फ दिखाने के लिए या बताने के लिए, लॉ के मेयर कंप्लायंस के लिए इन द बुक्स आपने चेक्स इशू कर दिए लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। तो इस सब में भी और उसका क्या इम्प्लीकेशन है वो देख के, अगर कुछ केसेस में अगर बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन है तो आपको शायद रिपोर्ट भी क्वालिफाई करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ एक्सपेंसेस, सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसी की बात कर लेते हैं। अब बाकी के लिए भी यही एप्लीकेबल होगा। ऑडिट फीस की प्रोविजन, जैसे कि आपको पता है 31 मार्च को कर दी जाती है, हमारा क्लाइंट कर देता है या हम करवा देते हैं, कई बार वो भूल जाते हैं तो हम भी करवा देते हैं। और इस केस में बिल लेकिन रेज होता है ऑडिट के बाद, 31 अक्टूबर को आपने बिल रेज किया, और पेमेंट ऑब्वियसली क्लाइंट जल्दी से करते नहीं है, लेट्स से 31 मई 2025 को उसने पेमेंट करी, उस केस में डिसअलाउंस किस साल में होगा? एनी थॉट्स ऑन दैट? इस केस में डिडक्शन आपको अक्रूवल बेसिस पे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मिल जाएगी, चाहे वो ऑडिट फीस है या आपके बाकी एक्सपेंसेस का प्रोविजन है। तो इस केस में डिडक्शन क्योंकि आपको अक्रूवल बेसिस पे 23-24 फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगी, तो डिसअलाउंस का सवाल ही नहीं है। तो बिल आपने कब रेज किया, पेमेंट कब हुई, किस साल में पेमेंट हुई, डजेंट मैटर, क्योंकि आपको इसका बेनिफिट पहले ही मिल चुका, तो इट विल नॉट फॉल अंडर द डिसअलाउंस ऑफ 43B सेक्शन। फिर आपको एजिंग एनालिसिस करनी पड़ेगी अपने क्लाइंट के जो आउटस्टैंडिंग है, अप टू 15 डेज, 16 to 45 डेज, अब 45 डेज, जो भी MSME ड्यूज हैं उसका ये एजिंग एनालिसिस हमें बनाना पड़ेगा। उसके बेसिस पे हम देख लेते हैं कि कब तक के बिल हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए। अगर एग्रीमेंट नहीं है MSME एंटरप्राइज और क्लाइंट के बीच में, तो 15 डेज ड्यू डेट है, तो उस केस में जो 16 मार्च या उससे पहले के बिल्स हैं वो डिसअलाउ आपको करने पड़ेंगे जब आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करेंगे, ITR फाइल करेंगे। अगर एग्रीमेंट की गई है और ड्यू डेज 30 हैं, तो उस केस में 1 मार्च और उससे पहले के बिल हैं वो डिसअलाउ हो जाएंगे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को, अगर उनकी पेमेंट 31 मार्च तक नहीं की गई। उसी तरह से अगर एग्रीमेंट है और ड्यू डेट 45 डेज या उससे भी ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एमएसएमईडी एक्ट में 45 डेज ही मैक्सिमम अलाउड है। उस केस में 15 फरवरी और उससे पहले के बिल्स हैं वो आपको डिसअलाउ करने पड़ेंगे अगर उनकी पेमेंट 31 मार्च तक नहीं की गई तो। कुछ ऐसे भी इश्यूज हो सकते हैं, केसेस आ सकते हैं जहां 43 बी का डिसअलाउंस भी हो रहा है और 40 ए आईए का भी डिसअलाउंस हो रहा है इनकम टैक्स एक्ट में, क्योंकि वहां टीडीएस एप्लीकेबल था और टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ। तो क्या दो बार डिसअलाउंस होगा? ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, डिसअलाउंस एक ही बार होगा। उस केस में डिसअलाउंस ओनली अंडर सेक्शन 43 बी होगा। कुछ केसेस अब हम देख लेते हैं जहां केस स्टडीज देख लेते हैं कि क्या इनवॉइस डेट है, क्या ड्यू डेट्स है, क्या ड्यू डेट है एज पर द इनवॉइस और एज पर द एग्रीमेंट, क्या ड्यू डेट है एज पर द एमएसएमईडी एक्ट, पेमेंट डेट क्या है और डिसअलाउंस किस साल में होगा अगर होगा तो। तो एक हम केस देख लेते हैं पहला, 1 फरवरी इनवॉइस डेट हम जनरली 1 फरवरी 2024 की पकड़ रहे हैं। 30 डेज ड्यू डेज हैं इन द इनवॉइस। ड्यू डेट एज पर द इनवॉइस इज 2 मार्च 2024। एमएसएमईडी एक्ट के अकॉर्डिंगली भी 2 मार्च ही हमारी ड्यू डेट है। पेमेंट डेट भी 2 मार्च को जाती है, तो ऑब्वियसली कोई भी डिसअलाउंस नहीं हुआ फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। अगले केस में 45 डेज है ड्यू डेज इन द इनवॉइस। 17 मार्च की ड्यू डेट है बोथ एज पर द इनवॉइस एंड एज पर द एमएसएमईडी एक्ट और पेमेंट डेट हमारी 31 मार्च एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमने पेमेंट कर दी, तो उस केस में भी कोई डिसअलाउंस नहीं होगा। नेक्स्ट केस में हमारे 60 डेज हैं ड्यू डेट्स इन द इनवॉइस और ड्यू डेट एज पर द इनवॉइस इज 1 अप्रैल 2024। ड्यू डेट एज पर द एमएसएमईडी एक्ट इज 17 मार्च। इस केस में पेमेंट हमारी 1 अप्रैल 2024 को होती है क्योंकि ड्यू डेट हमारी 17 मार्च थी एज पर द एमएसएमईडी एक्ट और पेमेंट हैज बीन मेड बियॉन्ड द फाइनेंशियल ईयर। उस केस में आपका इस साल में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में डिसअलाउंस होगा। अलाउंस आपको मिल जाएगा अगले फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में। अगला केस जहां कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई ड्यू डेट एज सच अवेलेबल नहीं है, उस केस में एमएसएमईडी एक्ट में हमें देखना पड़ेगा जो 15 डेज की ड्यू डेट बताती है विच विल बी 16 फरवरी और उस केस में हमने पेमेंट 31 मार्च को कर दिया, तो यहाँ भी कोई डिसअलाउंस नहीं होगा। अगला केस 60 डेज के हमारे ड्यू डेज इन द इनवॉइस है। 14 मई की हमारी ड्यू डेट एज पर इनवॉइस है। एज पर द एमएसएमईडी एक्ट इट इज 29 अप्रैल तो और पेमेंट भी मैंने 29 अप्रैल को किया है, तो इस केस में भी डिसअलाउंस नहीं होगा 23-24 में क्योंकि ड्यू डेट ही अगले फाइनेंशियल ईयर में जा रही है 29 अप्रैल 2024। ऑब्वियसली यहाँ आप ध्यान दें कि हमने जो इनवॉइस की डेट 15 मार्च तक ली है, तो इस केस में भी कोई डिसअलाउंस नहीं है। कुछ और एक्शन पॉइंट्स फॉर द ऑडिटर। दिस चेंज विल रिजल्ट इन द टाइमिंग डिफरेंसेस और आपको जो बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें डिफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट्स में बैलेंस शीट में इसको शो करना पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट। और एक सैम्पल केस देख लेते हैं कि एमएसएमई एंटरप्राइज को जो ड्यूज हैं वो हमारे करीब 2 करोड़ के हैं और हमारी जो इनकम है एज सच 25 लाख हैं और 31 मार्च को एमएसएमई ड्यूज जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को हैं वो 2 करोड़ के हैं, तो रिवाइज इनकम हमारी 2.25 करोड़ हो जाएगी जिसपे इनकम टैक्स आएगा 75.11 लाख और ओरिजिनली 25 लाख पे जो मेरा ऑन अ कंपनी द इनकम टैक्स इज 7,80,000। सो अगर ड्यूज आपके एमएसएमईज को हैं 2 करोड़ के, तो उस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी 67.31 लाख से बढ़ जाएगी, अ वॉपिंग इंक्रीज ऑफ 67.31 लाख। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि पर्टिकुलरली जहाँ ड्यूज टू एमएसएमईज ज़्यादा हैं, जहाँ बिल्स एमएसएमईज के काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे, अगर टाइमली पेमेंट नहीं होगा तो इस तरह का इम्प्लीकेशन आ सकता है। ऑब्वियसली 2 करोड़ के ये बिल्स आपके अगले साल में या उसके बाद जब भी आप पेमेंट करेंगे अलाउ हो जाएंगे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाएगा, बहुत बड़ी लाइबिलिटी आपके लिए आ जाएगी आपके क्लाइंट के लिए। बाकी आपको जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अगर आप अपने क्लाइंट की बनाते हैं तो वहाँ भी आपको डिफरेंट डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। क्लॉज 21 बी सब क्लॉज बी में अमाउंट इनएडमिसिबल अंडर 40 ए आईए वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। क्लॉज 22 में अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट और ये शायद एक नया क्लॉज आगे ऐड करेंगे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट भी शायद रिवाइज हो और वहाँ जो ये MSME माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं इनको जो डिसअलाउंस होगा उसके लिए शायद अलग सा क्लॉज आएगा। इसके बाद क्लॉज 26 है जिसमें ओपनिंग बैलेंस आता है, एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर। 43B की जो लाइबिलिटीज़ हैं ये यहाँ भी इन्होंने क्योंकि ड्यू डेट की बात करी है, ड्यू डेट ऑफ ITR, लेकिन अब ये जो अमेंडमेंट आया है क्लॉज H में वहाँ आपको फाइनेंशियल ईयर तक का ही अलाउड है, तो ऑब्वियसली यहाँ भी शायद वो चेंज लाएंगे इसके लिए। इसके अलावा अगर डिले है पेमेंट में, हो सकता है कि उन्होंने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पे भी कर दिया, लेकिन अगर डिले है तो उस केस में आपको इंश्योर करना है कि आपका क्लाइंट जो ड्यूज़ हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करे, एंड द इंटरेस्ट विल बी 3 times द बैंक रेट और मंथली कंपाउंडिंग के साथ होगा। तो इंश्योर दिस अमाउंट इज पेड। इफ इट इज़ नॉट पेड देन दे शुड बी अ प्रॉपर प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट इन द बैलेंस शीट, या अगर कोई शॉर्टफॉल है उसकी प्रोविजन होनी चाहिए। और अगर नहीं करता क्लाइंट प्रोविजन, मानता नहीं है, तो आपको ऑडिट रिपोर्ट में अगर वो मटेरियल है तो वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, और ये जो इंटरेस्ट है वो डिसअलाउ भी होगा आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरेस्ट लायबिलिटी की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बैंक रेट जो RBI नोटिफाइड रेट है 6.75% है, तो जो रेट एप्लीकेबल ऑन ड्यूज टू MSMEs है दैट इज 20.25%, इसका 3 times 6.75 का, तो एप्लीकेबल रेट इज 20.25%। तो आपको इसके हिसाब से जो ड्यूज हैं वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे इंटरेस्ट के और रिपोर्ट करने पड़ेंगे। और ऑब्वियसली ये भी रेट काफ़ी बढ़ जाएगा क्योंकि मंथली कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है ये। ऑल्सो आपको इंश्योर करना है कि आपका क्लाइंट रेलिवेंट डिस्क्लोजर्स करे एज पर द कंपनीज एक्ट, एज पर द MSMED एक्ट, लाइक फाइलिंग ऑफ फॉर्म MSME 1, डिस्क्लोजर ऑफ MSME ड्यूज एंड इंटरेस्ट इन द बैलेंस शीट एक्सेट्रा। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।